ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया आपका ये रिवीजन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए, आज स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बेहतरीन चैप्टर है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में आज डिस्कशन होगा। सो कमेंट सेक्शन में फटाफट यहां पर बता दीजिए कैसा, यहां पे थम्स अप दिखाइए और जल्दी 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 बताइए कि यहां पर अब ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, स्टार्ट कर दें। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बेहतरीन चैप्टर, बेहतरीन बातें, ध्यान से सुनते रहिएगा, मजा आएगा इसको पढ़ने से। आप लोगों को बहुत सारी चीजें नई सीखने भी मिलेंगी, बहुत सारी चीजें, नॉट अबाउट कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े, इसमें एनसीईआरटी के बाहर की भी बहुत सारी चीजें आप इसमें पढ़ सकते हैं। जबरदस्त यहां पर पॉइंट आएंगे। नहीं बेटा, 2023 में इसके ऊपर 3 क्वेश्चन थे, हर साल 3 क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि कुछ टॉपिक आपका अर्धसूत्री विभाजन, कुछ टॉपिक आपका समसूत्री विभाजन आदि विषयों के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं मानव जनन। कोई भी कमेंट नहीं करेगा क्योंकि मैं देख भी नहीं रहा हूं, तो ठीक है, अभी से ध्यान रखो। मानव जनन कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन डैम श्योर बनते हैं हर साल इसके ऊपर में, इसलिए बड़ा चैप्टर है मानव जनन, बड़ा चैप्टर है। पुष्पीय पादपों में जनन से भी लगभग 3 क्वेश्चन, 3-2, 3-2, 3-2, 3 बने ही रहते हैं। कुछ जो टॉपिक है वो किसी और के साथ मिक्स हो जाता है, तो कई बार लगता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, पर वो दूसरे चैप्टर से आ गया, ऐसा ऐसा करके याद रखना। आप लोगों को यहां पर मानव जनन 3 क्वेश्चन आपको यहां पर बनते हैं। ठीक है, कौन से चने के बीज में नहीं पाया जाता है? अनमोल, अंकुर, बिलांकुर, पत्र, ये कल मैं पढ़ा चुका हूं। अब क्या सवाल पूछ रहा? कल मैं पढ़ा चुका हूं कि प्रांकुर चोल उनमें नहीं पाया जाता क्योंकि वो एक बीजपत्री में होता है। सवाल स्टार्ट करते हैं जनाब। मानव जनन क्या है? मानव जनन, तो मानव जनन को समझने से पहले आप ये जानिए कि मानव कितने प्रकार के जनन की प्रक्रिया है। मानव एक लिंगी होते हैं कि द्विलिंगी? जल्दी बताइए यहां पर। मानव एक लिंगी होते हैं कि द्विलिंगी होते हैं? क्या होते हैं मानव? तो मानव के पास में आता है कि भैया ये एक लिंगी प्राणी है, एक लिंगाश्रयी प्राणी है, एक लिंगाश्रयी प्राणी है, मतलब या तो नर होगा या तो मादा होगा। मतलब इसमें से क्या होता है? नर अलग, मादा अलग। बहुत बढ़िया। हम में कौन सा जनन होता है जी? ये छोटी छोटी बातें जो आप लोग हल्का हल्का लिख लो। हमें कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन। कैसा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। बहुत बढ़िया। अब चूंकि लैंगिक जनन होता है तो हमारे पास एक और चीज निकल कर आती है कि लैंगिक जनन में भी कौन सा प्रकार है, लैंगिक जनन में भी कौन सा प्रकार है। तो लैंगिक जनन में एक बढ़िया प्रकार आता है कि हम कहलाए जाते हैं स्तनधारी। बताइए आप लोगों को अगर पता हो कि मैमेलिया असल में क्या है, मैमेलिया असल में क्या है? हम स्तनधारियों में माने जाते हैं, हम स्तनधारी जीव हैं, और मैमेलिया मतलब हमारा ये क्लास है, याद रखना है। मैमेलिया क्या है बच्चे? हमारा क्लास है, क्लास, वर्ग, क्लास है, वर्ग। हमारा ये क्लास जो है ना, ये हमारा ये बनता है कॉर्डिटा के अंदर, हम मैमेलिया नाम से जाने जाते हैं, हम मैमेलिया हैं। अब चूंकि हम मैमेलिया हैं, स्तनधारी हैं, इसलिए हम जो बच्चे पैदा करते हैं उनमें भी एक खास पैटर्न देखा जाता है कि हम जो हैं बच्चे सजीव प्रजक हैं, हम सारे के सारे सजीव प्रजक हैं। इन्हें हिंदी में या इंग्लिश में कहा जाता है कि ये विविपैरिटी शो करते हैं। अब इनमें से ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको ना पता हो, लेकिन अगर आप इन्हें एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आप लोगों को यहां पर बातें मजा आने लगता है कि भैया हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, स्तनधारियों में गिने जाते हैं, सजीव प्रजक गिने जाते हैं। ये मनुष्यों की कुछ खास 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 बात है। यहां पर आप लोगों को यहां पर पॉइंट करिएगा, मजा आएगा, बहुत बढ़िया से मजा करिएगा, बनाकर आप इन चीजों को पढ़ लेना। ठीक है भाई। अब चूंकि लैंगिक जनन है हमारे पास, चूंकि हमारे पास लैंगिक जनन है, तो लैंगिक जनन के कुछ चीजें होती हैं। तो लैंगिक जनन होगा तो हमारे पास होते हैं अंग। भैया जब किसी के पास लैंगिक जनन होगा तो उनके अंगों को पढ़ना पड़ेगा, अंगों को पढ़ना पड़ेगा, उनके ऑर्गन्स को पढ़ने पड़ेंगे। तो जब हम ऑर्गन्स को पढ़ेंगे तो ऑर्गन कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गन। पहले का नाम है प्राथमिक जनन अंग। यहां पर बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप इस पे असर्शन रीजन के हिसाब से
बहुत पढ़िएगा। और दूसरे का नाम होता है द्वितीयक लैंगिक अंग। ठीक है, तो हमारे पास जनन अंग जो है वो दो प्रकार के हैं, एक तो प्राथमिक जनन अंग और दूसरा है द्वितीयक लैंगिक अंग। ठीक है भाई, द्वितीयक जनन अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग, द्वितीयक जनन अंग, जो भी आप मान सकते हो आप इसमें यहां पर लिखोगे। फिर पॉइंट आएगा कि यार अब प्राथमिक और लैंगिक कैसे पहचानेंगे कि प्राथमिक है कि द्वितीयक है। तो पहला पॉइंट डाल दो प्राथमिक। यहां से एसरसन रीजन में एम्स में बढ़िया सवाल पूछा जाता था। तो प्राथमिक जनन अंग मतलब प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, या जिसे अपन कहते हैं प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन हमारे पास पहला ऑर्गन है प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। मतलब क्या होता है इसका, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन का मतलब क्या होता है, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है ऐसे अंग, आप इसमें बोलोगे ऐसे अंग बेटा जो अंग आपके पास जन्म से है। पहली चीज, जन्म के साथ साथ दूसरा पॉइंट यह आता है कि आपके पास जनन अंग तो है, और दूसरी बात ये लोग आपके गोनेट्स को बनाएंगे। गोनेट्स को बनाएंगे कहने का मतलब युग्मक बनाएंगे, स्पर्म बनाएंगे, ओवा बनाएंगे। तो जो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे जनन अंग, जनन में भाग लेने वाले ऐसे अंग जो जन्म से उपस्थित है। पहली चीज तो ये बात याद रखना कि पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि जन्म से उपस्थित है, विकसित भी है, और क्या निर्माण करते हैं, युग्मक निर्माण करते हैं। मेरे बच्चे युग्मक निर्माण करते हैं। युग्मक निर्माण मींस अगर आपके पास शुक्राणु बनाने की क्षमता है तो शुक्राणु बनवाएंगे, अगर आपके पास अंडाणु बनाने की क्षमता है तो अंडाणु बनाएंगे, निर्माण करते हैं। तो जो भी भैया युग्मक निर्माण स्पर्म का निर्माण करेगा, जो भी ओवा का निर्माण करेगा, ठीक है, जो भी यहां पर युग्मक का निर्माण करेगा वो हमारा प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कहलाया जाएगा। ठीक है भाई, कौन कौन होता है? सो नर में कौन है ऐसा, नर में कौन सा अंग है? तो नर में शुक्राणु निर्माण कौन करता है बताओ? नर में शुक्राणु का निर्माण करता है केवल और केवल एक, कौन करता है? नाम है उसका वृषण। ठीक है, वृषण याद रखना। और युग्मक निर्माण करता है, आप इसमें यह भी लिख सकते हो कि हॉर्मोन्स वगैरह भी बना सकता है, हॉर्मोन्स और युग्मक का निर्माण करेगा। शुक्राणु निर्माण किया कौन करता है? वृषण करता है मेरे बच्चे, कौन करता है? वृषण। ये बहुत छोटी बात है ना, इसमें मत कहना कि यार ये क्या फटाफट बताए जा रहे हो, छोटी छोटी चीजें हैं, बस लिखते जाओ। मादा में कौन है बताइए, मादा में अंग कौन है? तो मादा में भैया जो अंडाणु का निर्माण करे, और अंडाणु निर्माण कौन कर सकता है? है किसी की औकात? कौन है? अंडाशय है। और इस तरीके से इस दुनिया में दो ही लैंगिक अंग हैं। इस प्रकार इस दुनिया में दो ही लैंगिक अंग हैं, पहला वृषण और दूसरा अंडाशय। दैट्स ऑल। जो भी गोनेट्स बनाएगा, इन दोनों को गोनेट्स कहा जाता है इंग्लिश में, इन दोनों को गोनेट्स कहा जाता है, गोनेट्स कहा जाता है। ये दोनों शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण में पर्टिकुलर भाग लेते हैं, बनाते हैं, इसलिए इनका नाम प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है। और ये चीजें आपके दिमाग में एक बारी बैठ जानी चाहिए, पूछा गया सवाल है तो ये चीज बन जाती है। ठीक है बंधु, बढ़िया। दूसरे नंबर पे हमारे पास में आते हैं बच्चे द्वितीयक, द्वितीयक कह सकते हो, या फिर इनको एक दूसरा शब्द भी कह सकते हो, एसेसरी यानी सहायक जनन अंग। अब यार आपको अगर लैंगिक जनन करना है तो आपको सिर्फ युग्मक बनाना बस तो नहीं होता, अगर आपको लैंगिक जनन करना है तो युग्मक बनाना बस नहीं होगा। युग्मक को बनाओ, युग्मक का स्थानांतरण, युग्मक को मिलाओ, और उसके बाद निषेचन करो, निषेचन के बाद उसे भ्रूण बनाओ, भ्रूण बनाने के बाद बच्चा पूरा बनेगा, फिर प्रसव होगा। ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है, चाहे पुष्पों की हो चाहे मनुष्यों की हो, हर किसी की वैसी ही प्रक्रिया है। कि लैंगिक जनन ऐसे तो नहीं हवा में ऐसी हो जाता है, लैंगिक जनन करवाने के लिए बड़ा कार्यक्रम लगता है। युग्मक बनाना इज एन अदर थिंग, युग्मक एक अलग चीज है बनाना, पर युग्मक को मिलाना
मिलाने के लिए स्थानांतरित करना, मिलने के बाद भ्रूण बनाना और भ्रूण के बाद बाहर निकालना, ये सारा कार्यक्रम करना पड़ता है। तो सहायक अंग कौन होते हैं ये बताना। युग्मक निर्माण के पश्चात, एक बार आपका युग्मक का निर्माण हो जाए, एक बार आपके युग्मक का निर्माण हो जाए, युग्मक निर्माण के पश्चात निषेचन, सबसे पहले क्या करना है, निषेचन करवाना है। निषेचन बोलो, या तो बोलो युग्मक का स्थानांतरण करवाओ, या तो युग्मक का स्थानांतरण करवाओ, निषेचन करवाओ। भ्रूण निर्माण में, भ्रूण के निर्माण में बाकी का जितना भी काम है, निर्माण में जितने भी आवश्यक अंग होंगे, आवश्यक अंग सहायक अंग कहलाते हैं, द्वितीयक अंग कहलाते हैं। तो द्वितीयक अंग कौन है बच्चा, जो बाकी का काम करता है, जो एक्स्ट्रा वर्क करेगा। किस्पम मिलेगा, मिलेगा, मिलने के बाद युग्मक गायब होगा, युग्मक यहां जाएगा, युग्मक वहां जाएगा, भ्रूण का निर्माण करेंगे, सारा कुछ जो भी है वो सारा का सारा द्वितीयक सहायक अंग कहलाता है। आइए इनके बाद में बात करते हैं, ठीक है, आइए इनके बारे में बात करते हैं भैया, कि हम मनुष्य को पढ़ रहे हैं भैया, है ना, प्लेटिपस अभी नहीं जान रहे हैं, हम मनुष्य के बारे में बात करते हैं कि अगर ये मैमेलिया है और सजीव प्रजक होने चाहिए, हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, बाकी फिर प्लेटिपस है और बाकी लोगों के बारे में आपको जब पढ़ाएंगे उसमें प्राथमिक एनिमल किंगडम में तो बताएंगे। तो ये कहानी हो गई। अब बताओ बॉस, नर में द्वितीयक लैंगिक अंग कौन है, नर में कौन है जो सहायता अंग करता है, द्वितीयक लैंगिक अंग कौन है, अभी लिखना पड़ेगा, डिटेल तो फिर बाद में होगी जो होगी। तो नर में द्वितीयक लैंगिक अंग कौन कौन हो सकता है, आपको पता है यहां पर बहुत सारी सहायक वाहिकाएं हैं, उनका अलग अलग नाम है, वासा इफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया, ना जाने क्या क्या। इसके अलावा कुछ हमारे पास सहायक ग्रंथियां हैं, कुछ हमारे पास सहायक ग्रंथियां हैं, कुछ हमारे पास बाह्य जननांग हैं, ये सारे के सारे मेरे बच्चे सब द्वितीयक लैंगिक अंग कहलाते हैं। बाह्य जननांग, सहायक ग्रंथियां, कुछ तीन चार ग्रंथियां हैं वो भी होंगी, कुछ ग्रंथियां हैं, कुछ नलिकाएं हैं, कौन है ये भविष्य के गर्त में है लेकिन है। उसी तरह अगर मैं मादा में बात करूं तो मादा में सहायक अंग कौन है, तो आपको इसमें भी लिखना पड़ेगा यार कि मादा में भी क्या क्या होता है, कुछ सहायक वाहिकाएं, कुछ सहायक वाहिकाएं हैं, कहीं पर गर्भाशय है, कहीं पर ग्रंथियां है, इसका भी भाग होता है, इनके पास में भी कुछ सहायक ग्रंथियां होती हैं, इनके पास भी होता है बाह्य जननांग, और ये सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं, ये सारी की सारी चीजें आती हैं द्वितीयक लैंगिक अंग में, ये सारी चीजें आती हैं द्वितीयक लैंगिक अंग में। तो एक्सेप्ट फ्रॉम ओवरी एंड मतलब आपका जो वे टेस्टिस है, टेस्टिस एंड ओवरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जिन भी अंगों के बारे में आप बात करोगे वो सभी के सभी अंग जो हैं द्वितीयक लैंगिक अंग हैं। मादा में आप देखो या फिर नर में देखो, ये बहुत बेसिक सी बात है, उम्मीद है हर बच्चे को बड़ी आसानी से यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी। इतने बिंदुओं को अपन डिस्कशन करेंगे और इन्हीं बिंदुओं को लेकर हम आगे बात करेंगे कि यार कौन है सहायक वाहिकाएं, कौन सी है सहायक ग्रंथियां, कौन सी है यहां पर ये पॉइंट ये याद रखना, इस तरीके से ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। आइए डिस्कशन करते हैं पहला जबरदस्त पार्ट, ठीक है भाई, चलो नर और मादा अपन बना दें। अब एक बड़ा सा सवाल आता है कि जब बच्चा बन रहा होगा तो ऐसा कौन सा महीना होगा भ्रूण का, कौन सा महीना होगा भ्रूण का जब नर और मादा डिसाइड होता है कि भैया तुम नर बनोगे और तुम मादा बनोगे, और कौन डिसाइड करता है, मेजर फैक्ट कौन रोल प्ले करता है, वो कौन सा पार्ट है। तो यार देखो, मेन चीज तो जो है हमारे पास क्रोमोसोम है, सभी जानते हो एक्स है वाई है वगैरह वगैरह, लेकिन माना ये जाता है कौन सा महीना, दूसरा महीना, दूसरा महीना दूसरे से तीसरा, मतलब दो महीना जब कंप्लीट हो जाए बच्चे का, तब दूसरे से तीसरा महीना जब बच्चा बनता है
सातवां नहीं, दूसरे से तीसरा महीना जब बनता है, ठीक है, दूसरे से तीसरा, बात समझना, दूसरे से तीसरे महीने में, दूसरे महीने तक नर और मादा एक समान है, तो आप यहां पर लिखना सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का दूसरा महीना, सेकेंड टू थर्ड, ये याद रख लेना, दूसरे से तीसरा महीना, दो पूरा हो चुका है और तीसरे में हम पहुंच गए हैं। सेकेंड से थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, दूसरे से तीसरे महीने की हम प्रेगनेंसी में पहुंचे हैं और वहां पर पहला पार्ट यहां पर बनेगा क्या। तो जब दूसरे से तीसरे महीने में हम पहुंचेंगे तो वहां पर इनके पास जब बच्चे बनते हैं ना, तो भ्रूण वाली जगह पर दो जगह, दो चीजें होती, दो नाल होती है। एक का नाम होता है मेरे बच्चे वुल्फियन, इसका नाम लिख लो, ये तुम्हें कभी कभी काम आएगी, वुल्फियन नाल, एक नाल होती है, एक नाल है वुल्फियन और दूसरे का नाम होता है मुलेरियन नाल, मुलेरियन कैनाल। ये दो नाल, ये दोनों नाल मतलब अकेले ऐसा मतलब अभी हल्का सा बताता हूं, ज्यादा डिटेल इसको करने जाऊंगा तो फिर तुम कंफ्यूज होगे कि यार काम की चीज तो ज्यादा है नहीं, तो क्यों जबरदस्ती हम इसको पढ़ रहे हैं, क्यों इसको पढ़ते हैं, जो हम इस चीज को पढ़ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कहानी है कि भैया कि सेकंड दूसरा तीसरा महीना हुआ, दो नाल हमारे पास में आ गए, ठीक है, दो महीने आ गए और दूसरा महीने के बाद दो नाल बच्चों में दिखती है, वुल्फियन नाल और मुलेरियन नाल, नर और मादा दोनों में होती है, नर और मादा दोनों में होती है। अब वुल्फियन नाल जो होती है ये आगे जाकर वृषण की वृद्धि करवाएगी, वृषण की वृद्धि करवा देगी, वृषण को बोलेगा आप तेजी से बढ़, थोड़ा फटाफट फटाफट बढ़। इसके बाद यहां पर शुक्रवाहक को बोलेगा अरे तू भी थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़, शुक्रवाहक को बढ़ा देगा, शुक्रवाहक की वृद्धि करवाएगा और शुक्रवाहक की वृद्धि करेगा, ये दोनों बन गए फटाफट, मतलब यहां पर बन हो गया, नर निर्माण होता है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लड़का बनेगा कि लड़की बनेगी, कौन होता है, कौन बनाता है, तो याद रखना दूसरे महीने में एक नलिका है वुल्फियन नलिका, जो बाद में भी होता है, बाद में भी रहती है वुल्फियन नलिका, कॉम्पिटिशन चल रहा है लड़का और लड़की के बीच में, तो लड़के को बनाने का काम वुल्फियन, जैसा नाम है ना वुल्फ, भेड़िया, वुल्फ का मतलब क्या होता है भेड़िया, तो भेड़िया जो है लड़कों को बनाता है, ऐसा समझ। और जो मुलेरियन नलिका है वो तुम्हें कभी कभार मिलेगी, इट्स जस्ट फॉर नॉलेज नॉट फॉर एग्जाम, ये नॉलेज के लिए है आपके, मैं वैसे ही आपको बता देता हूं पहले से। मुलेरियन नलिका जो होती है यह अंडाशयी नलिका की वृद्धि करती है, और जैसे ही अंडाशयी नलिका वगैरह धीरे धीरे बनने लग जाती है, अंडाशय नलिका, फिर उसके बाद अंडाशय आदि की वृद्धि करवाती है, तो जब ये लोग बनने लग गए, आदि की वृद्धि करवाती है, वृद्धि करवाती है, तो यह वृद्धि करवाने वाली जो है मुलेरियन नलिका है, मुलेरियन नाल है। तो वुल्फियन और मुलेरियन ये दो लोग हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, देखो जैसे अगर कोई नर बन रहा है, जैसे नर बन रहा है मतलब यह मादा बन रही है, एक्स एक्स और एक्स वाई, यार इन दोनों में से कोई एक ही गुणसूत्र अपने आप को प्रदर्शित करेगा, दोनों में से, दोनों के पास जीन होते हैं, आपको पता होना चाहिए दोनों के पास जीन होते हैं, एक्स की इसके पास भी, एक्स के पास है, दोनों में से कोई एक जीन खुद को प्रदर्शित कर रहा होता है, तो इन दोनों में जब प्रदर्शित होगा तो ऐसे एक्स वाई में भी प्रदर्शित होता है, ऐसा एक्स वाई में भी, तो जिनके पास एक्स वाई होता है उनके पास में कहेगा कि यार तुम एक काम करो वुल्फियन, वुल्फ बनाओ, भेड़िया बनाओ, ठीक है। और ये मुलेरियन जो होता है वो कहता है कि ना 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 यार, हम मुलेरियन हैं, मोल मोल, छोटा 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 छोटा, सॉफ्ट सॉफ्ट चीज बनाएंगे, और यह महिला का निर्माण करता है, तो यह निर्माण करेगा, यह मादा निर्माण करेगा, मादा निर्माण में सहायक है, निर्माण में आवश्यक। तो आज के बाद कभी कोई पॉइंट आए कि भैया कौन बनाता है ये सहायक नलिकाएं वगैरह वगैरह, कौन बनाता है, तो कह देना फीमेल में मुलेरियन और नर में वुल्फियन, ये बात मेन होती है, ये बात मेन होती है कि भैया, अच्छा मतलब ऐसा नहीं है कि मुले वुल्फियन अपने मर्जी का काम कर रही है, वुल्फियन चाहे तो ना भी बनाए, ऐसा नहीं है, इसको ज्ञान क्रोमोजोम ही देगा, इसको ज्ञान डीएनए ही देता है, लेकिन ये पॉइंट याद होना है कि भैया असल में मतलब जैसे एग्जाम्पल है ना कि हम कहां से आ रहे हैं, हम कहां से आ रहे हैं, ये नलिकाएं, ये ग्रंथियां, ये वाहिकाएं कहां से बनी है, वुल्फियन नाल से बनी। बच्चों में जब हम भ्रूणी अवस्था में होते हैं तो हम वुल्फियन नाल होता है, फिर ये वृद्धि, ये सब बनता है।
ऐसा नहीं कि मुलेरियन मेल भी बना सकता था, पर मुलेरियन नाल जो है अंडाशय नलिका को बनाती है। तो जब वुल्फियन बनती है तो मुलेरियन को धक्का देके दबा देती है, और जब मुलेरियन बनती है तो वुल्फियन को धक्का दे देती है, ताकि लड़का लड़की दोनों ना बन सके, दोनों ना बन सके। अगर दोनों एक साथ बन जाएंगे तो बहुत मसला हो जाएगा, बहुत मसला हो जाएगा। तो इसलिए ये बात को याद रखना कि भैया यहां पर होता है वो यहां पर, हां वहीं पर तो लड़ाई नहीं होती है। जहां ये दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, जहां ये दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, वहां लड़का लड़की दोनों टाइप के पैदा होते हैं। वो क्रोमोसोम की प्रॉब्लम है असल में, ठीक है, वो क्रोमोसोम की प्रॉब्लम है। तो वुल्फियन नाल है मुलेरियन नाल है, याद रखना, वुल्फियन मुलेरियन को दबाती है, मुलेरियन वुल्फियन को दबाती है, दोनों कहती है ना 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 लड़का ना बने, और लड़का कहता है कि ना 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 लड़की नहीं बनेगी। बस ये दो बातें याद रखना। तो नर के सारी ग्रंथियां, सारे सहायक भाग वुल्फियन से, और मादा के सारे भाग मुलेरियन से बनते हैं, ये बात याद रखना। अंडाशय नलिका और शुक्राशय की वृद्धि जो भी होता है, वृषण की वृद्धि, शुक्र नलिकाएं, इसके अलावा जो आपकी शुक्र नलिकाएं होती हैं, ये सारी आप बात बात को बनाते हैं। ओके भाई, डन। चलो मान लो लड़का पैदा हो गया, किसी तरह से लड़का पैदा हो गया। तो जब लड़का पैदा हो गया तो अब हम पढ़ेंगे नर जनन अंग के बारे में, कि भैया जो मेल अब पैदा हो ही गए हो अब तुम इस दुनिया में, ठीक है, वैसे तो पैदा नहीं होना चाहिए था लड़कों को इस दुनिया में, लेकिन हो गए हो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो नर जनन तंत्र जो होता है इनमें से तीन भाग है। एक तो भैया हमको पता है कि वृषण है, चार भाग, सॉरी वृषण जो है ये पेयर्ड होता है, एक जोड़ी, एक जोड़ी है, मतलब इसका मतलब याद रखना वृषण है हमारे पास, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे भैया जी हमारे पास है सहायक वाहिकाएं, क्या है हमारे पास, सहायक वाहिकाएं हैं, कुछ नलिकाएं हैं हमारे पास, उनके बारे में पढ़ना है। सहायक वाहिकाओं के बारे में अगर मैं बात करूं तो मुख्य रूप से यहां पर आती है आपकी अंडवाहिनी। अंडवाहिनी के बारे में बताना पड़ेगा कि अंडवाहिनी, सॉरी नॉट अंडवाहिनी, लड़का है ना, अंडवाहिनी कहां होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास वृषण नलिका, वृषण नलिका, वृषण जालिका, ये सब सुना है नाम कभी आप लोगों ने, वृषण जालिका, अधि वृषण, दुनिया भर की सारी चीजें जो है फिर अभी हम पढ़ेंगे, ये सारी वृषायक नलिकाओं में आते हैं, सारी नलिकाओं में बनते हैं। और तीसरा भाग आता है हमारे पास फिर सहायक ग्रंथियां, हमारे पास तीन ग्रंथियां होती है मेरे बच्चे, और उन ग्रंथियों में पहला भाग जैसे मान लेते हैं ए वाला मान लिए, तो इसको आप कह सकते हो शुक्राशय सेमिनल वेसिकल, दूसरे का नाम है पुरस्थ और तीसरे का नाम होता है काउपर्स, इनके बारे में और डिटेल फिर अपन करेंगे, काउपर्स ठीक है, और समझेंगे और उनका नाम क्या है। और चौथा भाग है बेटा जी बाह्य जननांग की, बाह्य जननांग किधर है, कब है, कहां है, कैसे आया, दुनिया भर की बात फिर अपन इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, इन सबको धीरे धीरे पढ़ते हैं कि भैया इनका नाम क्या है, कहां क्या क्या होते हैं, और उन्हीं को तो अभी अपन को पढ़ना है। तो भाई यहां पर सारी चीज पढ़ा है, अगर अच्छे से दिमाग अपन लोगों को यहां पर क्लियर है तो हम आगे थोड़े पॉइंट को समझते हैं कि इनके पार्ट में अब ये क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कैसे हम इन सब चीजों को डिटेल कर सकते हैं, कहां से क्वेश्चन आ सकता है, मेन मेन चीज अपन उनके विषय पे बात करते हैं। तो पहले एक सामान्य चीज, फिर एक एक करके सबको डिटेल करेंगे। तो पहला पॉइंट ये होता है कि भैया हमारे पास वृषण है, और वृषण के कितने भाग हैं, क्या क्या चीजें बनती हैं, तो हम सबसे पहले बताते हैं वृषण के बारे में। अच्छा एक सहायक पहले ना डायरेक्टली डायग्राम बना देते हैं, उसको समझ लेते हैं, तब फिर आगे कहानी क्लियर करेंगे। तो आओ बंधु पहले क्लियर कर लेते हैं एक डायग्राम की मेन मेन इनके पास में कौन कौन से भाग हैं और उन भागों पे फिर अपन को क्या क्या पढ़ना होता है। तो देखो बंधु सबसे पहली चीज तो होती है यार कि हमारे पास कुछ सामान्य संरचनाएं हैं जो ट्वेल्थ वाले बच्चों को बिल्कुल पता होना चाहिए, पहले उनके बारे में बना लेते हैं, और फिर जब वो सब नहीं रहेगा तो फिर कुछ और तो रहेगा ही रहेगा। आइए फटाफट इसको एक बार देख ही लेते हैं जल्दी से कि क्या क्या होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बोर्ड वाले बच्चों ने बड़ा ध्यान से इन सब चीजों को पढ़ा ही होगा, सब नॉलेज तो तुम लोगों को पहले से ही है, ज्ञानवान हो सारे के सारे, ठीक है, बस नीट के क्वेश्चन बना लो तो नीट निकाल लो तो तुमको भगवान का दर्जा दे दिया जाए कुछ दिनों में फिर, ठीक है, क्या बच्चे थोड़ी है यार तुम लोग, ठीक है।
ये ऐसा करके भाग अपन बना देते हैं। ठीक है बॉस, बढ़िया। ये जो पाइप जहां से आ रही है उसका नाम है मूत्राशय। ये जहां से पाइप आ रही है उसका नाम है मूत्राशय, और ये मूत्र से होता हुआ आगे आगे का भाग जो है ये है बच्चा हमारा मूत्र का मार्ग। ये है मूत्र का मार्ग। पहले आसान वाला समझ लेते हैं, फिर थोड़ा सा डिटेल करेंगे तो आगे की कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है बंधु, इसको फिर आगे डिटेल करते रहेंगे। ये पाइप है आगे की तरफ में जा रही है, और ये पाइप आगे की तरफ में जब जाती है ऐसा, तो इसके बाद यहां ऐसा कुछ वृषण सा बन जाता है, और ये पाइप ऐसा यहां से कवर्ड रहती है। बैट सॉल खत्म। इन्हीं के बारे में अपन को बात करनी है, इन्हीं के बारे में अपने को समझना है कि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं लोग, सब बताना है इसके बारे में। तो थोड़ी थोड़ी पहले मेजर डायग्राम जो मुख्य मुख्य चीजें दिख रही हैं, पहले उनके बारे में बात कर लें, तो फिर बाकी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगे और अपन बाकी चीजों को अपने आप समझ जाएंगे। तो ये दूसरी बात हो गई। ठीक, ये हमारी दूसरी बात हो गई। ठीक है भाई, इनके बारे में भी थोड़ी बात समझेंगे। ओके बॉस, बढ़िया। अब आइए एक एक करके सबके बारे में हल्की हल्की बातें अपन करते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमको पता होनी चाहिए। चलिए भाई, बनाना मन हो बना लेना, बाद में बना लेना। देखो बॉस, सबसे पहली चीज, एक चीज खास दिख रही है जिसका नाम है वृषण कोष। कहानी थोड़ा सा डिटेल अपन बाद में करेंगे कि वृषण कोष कैसे बना, कहां बना, कब बना, और उसके बारे में समझेंगे। ये जो अंदर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये वृषण, वृषण कैसे बना, वृषण में कौन कौन है, ये भी थोड़ी देर के बाद अपन समझेंगे। ये जो भाग आपको बाहर दिख रहा है इसे हम कहते हैं बच्चे शुक्रवाहक। याद करवाऊंगा उसके अंदर की संरचनाएं भी, पर अभी सिर्फ शुक्रवाहक। शुक्रवाहक के बाद बाकी संरचनाएं ये जो दिख रही हैं, यहां से तीन बात दिखेगी। तो पहली बात आपको दिखी एक बढ़िया सी छोटी सी ग्रंथि। ग्रंथि के जस्ट नीचे एक और ग्रंथि आपको दिखाई देगी, ये बना लो। उसके नीचे एक और ग्रंथि आपको दिखाई दे रही है, उसका नाम बना लो। और फिर आखिरी में यहां से शिश्न शुरू हो जाता है। इतनी बात जो डायग्राम में दिख जाए तो मजा आ जाती है। पहले बताया मैंने वृषण, फिर वृषण कोष, ये जो निकल रहा है शुक्रवाहक, ये जो ऊपर दिख रहा है मेरे बच्चे इसका नाम है मूत्राशय। हम एक ही बार में सारा डायग्राम नहीं बना पाएंगे तो इसलिए अलग अलग बनाएंगे। इसका नाम क्या है? शुक्राशय। शुक्राशय के नीचे ये जो भाग दिख रहा है इसे हम कहते हैं पुरस्थ ग्रंथि, और उसके नीचे जो लाल वाला भाग है इसे अपन कहते हैं काउपर्स, और काउपर्स का दूसरा नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। इसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, इसे हिंदी में कंद मूत्र पथ ग्रंथि भी कहते हैं, कंद मूत्र पथ ग्रंथि भी कहते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। अच्छा, नाम लिखना है, इसका नाम होता है मेरे बच्चे टेस्टिस, इसको अपन कहते हैं स्क्रोटम, इसको अपन कहते हैं वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया। शुक्रवाहक सेमिनल वेसिकल, इसका नाम क्या है? सेमिनल वेसिकल। इसका नाम क्या है? प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका नाम। और काउपर्स का नाम तो काउपर्स ही होता है जी, काउपर्स ग्रंथि है। नीचे मूत्र मार्ग दिख रहा है, और ये जो भाग दिख रहा है इज कॉल्ड शिश्न। शिश्न का इंग्लिश नाम है ग्लैंड स्पैनिस, और ये जो ऊपर का भाग है इसे अपन कहते हैं अग्रच्छद। तो पहले बेसिक डायग्राम इतने में आपको लिख लिया जाएगा, और बाकी फिर मैं एक एक करके सबके बारे में डिटेल बताऊंगा कि वृषण, वृषण कोष में क्यों आया, वृषण कितने आवरणों से बना है, कितने रास्ते हैं इसके पास, और क्या क्या है इनके पास, वो सारी बातें फिर अपन पढ़ने वाले हैं। पहले डायग्राम में अपन मोटा मोटा समझ लें कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें यहां पर पढ़ना है कि भैया यहां पर पहला भाग है वृषण, बहुत डिटेल में इसको पढ़ना है।
वृषण के बाद दूसरा जो डिटेल भाग पढ़ना है वो है वृषण कोश, तीसरा फिर उसके अंदर की भी बहुत सारी संरचनाएं हैं वो भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा तीन ग्रंथियां दिख रही हैं, कौन कौन सी है? शुक्राशय, पुरस्थ ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि। क्या कोई बच्चा इस डायग्राम में देखकर मुझे एक बात बता सकता है कि शुक्राशय कितनी ग्रंथियां हैं? अभी इंट्रो चल रहा है मेरे भाई, अभी डिटेल विटेल कुछ ना गया है, ठीक है, कुछ इसके अंदर ना गए, सारा कुछ एकदम सिंपल सा है, सिंपल सी चीजें हैं, एकदम पार्ट है। यहां पर ग्लैंड्स पेनिस इसे कहते हैं, इसे शिश्न कहते हैं, ये काउपर्स है, ठीक है, काउपर्स बल्बोरेथल ग्लैंड, पुरस्थ ग्रंथि, शुक्राशय, और इतनी कहानी होता है। बताओ तो शुक्राशय कितनी है? दो है, ठीक है। पुरस्थ ग्रंथि कितना दिख रहा है? पुरस्थ कितना दिखाई दे रहा है? एक या दो? हाँ बताओ, पुरस्थ कितना दिखाई दे रहा है आपको? एक जोड़ी शुक्राशय कहते हैं। पुरस्थ कितना दिखाई दे रहा है? पुरस्थ एक है, पुरस्थ केवल एक है। हां जी, क्या बात है हर्ष कुमार, बहुत बढ़िया। शुक्राशय जो है दो रहता है, इसकी संख्या दो, यानी एक जोड़ी, ये दो बोलो या एक जोड़ी बोलो। काउपर्स ग्रंथि एक ही होती है, जोड़ी ओड़ी नहीं होती, और काउपर्स सॉरी पुरस्थ ग्रंथि और काउपर जो है वो दो होती है, मतलब जोड़ी में पाई जाती है, ये वन पेयर है। तो आप इस लाइन को एकदम दिमाग में बैठा के रखना भैया कि शुक्राशय जो है दो है, पुरस्थ ग्रंथि एक है, काउपर्स ग्रंथि दो है, और इस तरीके से आगे हम चीजों को पढ़ेंगे। तो ओवर 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 ऊपर ऊपर का भाग हमने यहां तक पढ़ लिया, अब एक एक करके डिटेल करते हैं। सबसे पहला बिंदु आपके सामने वृषण, हम पहला बात करेंगे वृषण का, और फिर वृषण के आगे हम डिटेल करेंगे कि यार वृषण क्यों है, कहां है और कैसा रहता है, वृषण क्यों ऐसी जगहों पर है, वृषण की जगह क्या है, वृषण कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है और क्यों पाया जाता है ऐसे क्षेत्रों में, ये बताते हैं। पहली चीज मेरे बच्चे, वृषण सेवन मंथ ऑफ भ्रूणावस्था, भ्रूणावस्था के सेवन मंथ के बाद, सातवें महीने से आठवें महीने के बीच उदर गुहा से, पहला इंपॉर्टेंट सवाल, उदर गुहा से कहां पे आ जाता है? उदर गुहा से वृषण कोश में आता है, वृषण कोश में आता है। कहां से आता है, कैसे आता है और क्यों आता है, ये बेहतरीन सवाल बनेगा। जस्ट एग्जाम्पल के लिए कि ये जो क्षेत्र है ये है वृषण कोश, और ये ऊपर का भाग है उदर गुहा, ये है उदर गुहा, यानी मतलब आपका जो भी भाग होता है ना, जैसे अपन कहते हैं पेट का गुहा, डक्ट है वहां से, इनके पास से यहां से दो पाइप आगे की तरफ में जाती हैं, और ये दो पाइप का नाम क्या है आपको पता है? इन दो पाइप का नाम है बेटा इंग्विनल कैनाल, जिसे अपन कहते हैं इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं इंग्विनल कैनाल। आपके ऊपर पहला सवाल पूछा जाएगा कि उदर गुहा से ये जो वृषण कोष है जी भैया, इधर पे वृषण कैसे आया? तो आप बताएंगे इंग्विनल कैनाल की सहायता से आया है, इंग्विनल कैनाल की सहायता से आया है। पहला पॉइंट खत्म हो गया। बहुत सुंदर बात है कि आ गया है, नहीं आता, अच्छा क्यों आया? तो याद रखना, उदर गुहा से, ये पॉइंट लिखियो, उदर गुहा से इंग्विनल कैनाल यानी नली कैनाल की सहायता से आता है, कैनाल की सहायता से, की सहायता से वृषण कहां पर आ जाता है बंधु? वृषण कोश में आता है, इंग्विनल कैनाल के द्वारा वृषण कोश में आ जाता है। बहुत सुंदर, ठीक है। अब क्या है, अगर ये वृषण कोश में आ गया तो ठीक है, अब सवाल आता है वृषण कोश में क्यों आया? तो बताना भैया कि वृषण कोश में यह
शरीर के तापमान से, कितना जी, शरीर के तापमान, जितना भी शरीर का तापमान है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 से 2.5, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम रखता है। कितना तापमान कम रखता है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम रखता है। और क्यों रखता है कम जी? तो अगला सवाल आएगा, जो आवश्यक है, जो आवश्यक है किसके लिए? शुक्र जनन के लिए। तो जो शुक्र बनाना, स्पर्म बनाना हो, शुक्र जनन के लिए आवश्यक है। तो ये हो गई हमारी कहानी का पहला कॉन्सेप्ट और ये पहला पूछा जाने वाला बात। अभी तक जितना भी पढ़ाया है हमने यहां पर, वो सारी चीजों का सबसे बेहतरीन पार्ट यहां पर हम पढ़ रहे हैं, जिनके ऊपर सवाल पूछा जाने की संभावना है 7 महीने की भ्रूणावस्था में बाद। उदर गुहा में तब तक था, उदर गुहा से वृषण कोष में आ गया। किसकी सहायता से आया? इंग्विनल कैनाल। हिंदी में भी यही कहते हैं, इंग्लिश में भी यही कहते हैं भैया, इंग्विनल कैनाल की सहायता से आ गया है। बहुत बढ़िया। अब जब आ गया है तो फिर यह पूछा जाएगा कि क्यों आया है भैया? तो इसलिए आया है कि शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान को हम कम कर सके। तो करके क्या करेंगे? यही जरूरी है शुक्र जनन के लिए। अगर स्पर्म बनाना है, अगर स्पर्म बनाना है तो हमें जरूरी है मेरे बच्चे, हमें जरूरी है कि तापमान 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम रखता है, तापमान कम रखता है, ये लिख लेना, तापमान कम रखता है, शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम रखता है, कम रखता है, टेम्परेचर कम कर देगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वृषण का तापमान कितना होता है, तो बताओ, 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 वृषण का तापमान बताओ, वृषण का तापमान बताओ कितना होता होगा, हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? तो आपसे पूछ दिया जाए वृषण का तापमान बताओ, तो कैसे होगा वृषण का तापमान, कैसे होगा, कितना होगा अगर हमारे पास में है तो कितना होगा? तो भैया हमारे शरीर का तापमान, ह्यूमन का तापमान कितना होता है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? सो ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर जो है भैया, वो हमारे पास में 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो इससे कम करना है तो वृषण का कितना होगा? तो वृषण का हो जाएगा मेरे बच्चे यहां पर मान लेते हैं 35 डिग्री सेल्सियस, अप्रॉक्स 35 से 36 के आसपास वृषण का होगा, 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आसपास इतना होता है। अब जब ये 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहां पर पॉइंट बनेगा, तो यहां पर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाएगा। अब अगली कहानी पे पॉइंट ये आएगा कि आसपास इसके तापमान हमने बना दिया, यार ये तापमान जो हमने बनाया है यहां पर अब आगे कैसे बढ़ेगा, कौन बना रहा है तापमान को? बनाकर हम मेंटेन तो कर दिए तापमान, लेकिन क्यों जरूरी है ये तापमान? हमने मेंटेन कर दिया वृषण का तापमान, हमने मेंटेन कर दिया। अब सवाल ये है कि बाहर का तापमान शरीर से दूर है, तो हम अपने शरीर के तापमान को हमेशा 35 35 35 35 थोड़ी ना मेंटेन रख पाएंगे। शरीर के अंदर सब कुछ मेंटेन है, शरीर के अंदर सब कुछ मेंटेन है, लेकिन अगर तुम शरीर से बाहर लटकते रहोगे तो तुम कैसे मेंटेन होगे, तुम कैसे मेंटेन होगे, कौन मेंटेन करेगा, फिर तुमको दिक्कत हो जाएगा। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि जब ये वृषण बनता है ना, ऐसा ये वृषण बनता है, सो इस वृषण के कोष के अंदर यहां पर एक विशेष प्रकार की पेशी पाई जाती है, यहां पर एक विशेष प्रकार की, देखो ये सब चीज नॉलेज के लिए थोड़ा सा ठीक रहता है, एग्जाम में ज्यादा नहीं आता, पेशी पाई जाती है जिसका नाम है डॉर्टोस पेशी है ये एक प्रकार की मसल। अभी डॉर्टोस पेशी करेगा क्या जी? तो डॉर्टोस पेशी क्या करता है, ये दो मौसम है, मान लो ये सामान्य मौसम है,
जस्ट लाइक एग्जाम्पल कि सामान्य तापमान है, दुनिया का तापमान ऐसी सामान्य है। अब दो तरीके हो सकते हैं बंधु, कि मान लो गर्मी का मौसम आ जाए और या मान लो ठंड का मौसम आ गया। तो यार अगर गर्मी का मौसम आ गया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ये तो हमारा तो 37 का 37 ही है, लेकिन ये 35 से और बढ़ जाएगा क्योंकि बाहर से जुड़ा हुआ है, ये तो 35 से और बढ़ जाएगा, तो ये 38, 40, 45 पहुंच जाएगा क्योंकि बाहर का तापमान तो 51 भी होता है। तो ये क्या करता है, इसको ठंडा रखने के लिए गर्मी के समय में, गर्मी में यह शिथिल हो जाता है, यह पेशी क्या हो गई, पेशी शिथिल हो गई। अरे भैया सुनो, क्या हुआ है, पेशी शिथिल हो गई, और जैसे ही पेशी शिथिल हो जाएगी ये जो भाग है वो पूरा नीचे और नीचे चला जाएगा, पेशी शिथिल हो जाएगी, पेशी शिथिल हो जाएगी, एकदम शिथिल, एकदम फैल गई, और जैसे ही ये मौसम ठंडा आएगा, जैसे ही ये मौसम ठंडा आएगा, तो ये बताना कि जो डॉर्टोस पेशी है ना बंधु, पेशु पेशी जो होती है वो सिकुड़ जाती है। अब सिकुड़ क्यों गई, तो जैसे ही ये पेशी सिकुड़ेगी, जैसे ही ये पेशी सिकुड़ेगी तो इनके अंदर का जो वृषण है वो शरीर से ज्यादा पास आ जाएगा, और शरीर से ज्यादा पास आएगा तो इसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, और यहां पर टेम्परेचर जो है भैया वो टेम्परेचर आपको कम करना पड़ेगा। तो बहुत दो आसान सी बातें हैं, लंबा चौड़ा नहीं लिखाया क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है नहीं, बस अपने दिमाग के नॉलेज के लिए बता दिया है मैंने कि भैया तापमान को हमें मेंटेन करने के लिए हमारे पास डॉर्टोस पेशी होती है। इट्स ऑल अबाउट जस्ट नॉलेज, ये एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में एनसीईआरटी के फैक्ट पॉइंट भी आते हैं, पर आप इतना ही याद रख लो कि एक बार अगर पढ़ लोगे तो थोड़ा सा दिमाग में बैठा रहेगा कि चलो ठीक है यार, डॉर्टोस पेशी है, ये गर्मी के मौसम में फैल जाती, तो फैली क्यों, क्योंकि तापमान बढ़े ना, ठंडा रिलैक्स रहे, शरीर से दूर रहोगे तो ठंडा रहोगे, और सर्द के मौसम में चिपक जाता है, जस्ट लाइक हम ठंड के मौसम में ढीला ढाला कपड़ा पहनते हैं तो वैसे ही वृषण भी ढीला ढाला हो जाता है, और गर्मी के मौसम में टाइट टाइट एकदम कपड़े पहनते जो सिकुड़ जाए, और एकदम सिकुड़ जाए मेरी बात यहां पर बच्चे, तो इस तरीके से यहां पर पॉइंट होता है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके से ये कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से पॉइंट पे आप लोगों को कंट्रोल कर लिया जाएगा भैया कि हमारा जो तापमान है वो अब डॉर्टोस पेशी के द्वारा कंट्रोल कर लिया जाता है, यही वो पेशी है जो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकती है। बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी चीज बात नहीं है कि ये आगे पूछे होता रहता है। अब जस्ट एग्जाम्पल, ये भी एक नॉलेज की बात है, बस ऐसे दिमाग में बैठा लेना, यदि जो वृषण है, हालांकि ये ना बहुत लोगों में अलग अलग होता है, अभी से चाहो तो इसको बहुत डिटेल भी पढ़ सकते हो कि यार जैसे आपके पास में यहां पर वो आ जाएगा, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास कौन आ सकता है, हाथी का वृषण जो है वो बाहर नहीं निकलता, तो जब वो बाहर नहीं निकलता तो कैसे करता है, तो वो उनका अलग तरीके का है, वेल का अलग तरीके का करता है, सब लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, पर हमें मनुष्य पे फोकस करना है। तो यदि वृषण जो है वो मान लो भ्रूणी अवस्था में बाहर आया ही नहीं, तब क्या हो गया, अगर हमारे पास में भ्रूणी अवस्था है तो भ्रूणी अवस्था में वृषण कोश में ना आया तो क्या होगा, मुझे बताओ, वृषण कोश में नहीं आया, मान लो उसका मन नहीं किया कि नहीं आना है, नहीं आया तो क्यों आएगा, क्या होगा, वृषण कोश नहीं आया तो क्या होगा, तो यार वृषण कोश में अगर नहीं आया तो इस कंडीशन को कहते हैं क्रिप्टोर किडिज्म, ये वर्ड याद रखना, क्या नाम है इसका, क्रिप्टोर किडिज्म।
सो क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं भैया, क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। फिर ये जब बच्चा बाहर निकलता है, इसका ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन करके फिर इसको बनाते हैं कि यार चलो इसका वृषण बाहर निकाला जाए। और अगर स्पर्म ये वृषण बाहर नहीं निकला तो भैया कभी स्पर्म नहीं बना पाएगा, ठीक है, कभी स्पर्म नहीं बना पाएगा। और ये बात याद रखना, क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं इस अवस्था में जब ये नहीं बन पाता है तो आप इसमें एक पॉइंट याद रखना, इस अवस्था में मनुष्य जो है बंधु क्या हो जाएगा, मनुष्य स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब क्या होता है, बांझ, बांझ हो जाता है, लड़का नहीं बना पाएगा, बांझ हो जाता है। बांझ का मतलब यह है कि शुक्राणु निर्माण नहीं हो पाएगा, इसका जो शुक्राणु निर्माण है वो नहीं हो पाएगा, इनका शुक्राणु निर्माण नहीं हो पाएगा, ये मेन पॉइंट है। इतने बिंदुओं पे आपको यहां तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए, इतनी बात आप लोगों को याद रहनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी तनिक तनिक हल्की हल्की जरूरी जरूरी बातें जिनमें से मेन मेन चीज मैंने आपको बताई है कि ये आवश्यक है और इसके ऊपर हमें डाउट बनना चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर, पक्की बात, सब लोग को डाउट क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आनी चाहिए, चीजें पता होनी चाहिए और मन लगाकर पढ़ेंगे तो ध्यान से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और बाकी आंदोलन करना है तो कर लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बढ़िया है और अच्छा है, अच्छी चीजें आप लोग यहां पर पढ़ लो और मन लगाकर बढ़िया से पढ़ लेना इसको, ठीक है। यहां तक बात आप लोगों को याद रखना है, यहां तक चीजें याद रखनी क्या होता है। चलो एक बार वन मोर रिवीजन करवा देते हैं, एक बार बात फिर से बता देते हैं कि भैया हम पढ़ क्या रहे हैं, हम किन विषयों पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर एक बार फिर से बताते हैं, हाँ ये रोहित मालवीय जी को बहुत फास्ट लग रहा है, आओ थोड़ा सा एक बार स्लोली स्लोली बताते हैं, आओ मुन्ना पहली नर्सरी क्लास में पढ़ते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे अभी धीरे बताते हैं, ठीक है, सुनना, ठीक है, ठीक है, आ जाओ लिखो यहां पर, बढ़िया सा समझो यहां पर, आप पॉइंट पढ़ते हैं यहां पर, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि भैया लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं, यार इस दुनिया में जो मनुष्य होते हैं वो एक लिंगाश्रय प्राणी है, वो नर और मादा अलग अलग होते हैं। अब पॉइंट आता है कि नर में कैसे लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, बढ़िया। अब ये स्तनधारी भी होते हैं, हम मैमेलिया में काउंट होते हैं, हम क्लास हमारा जो वर्ग है वो मैमेलिया होता है। हम सजीव प्रजक में माने जाते हैं, विविपैरिटीज हैं, मतलब जंतुओं को, परिपक्व शिशु को जन्म देते हैं, हम देते हैं मेरे बच्चे परिपक्व शिशु को जन्म देते हैं, परिपक्व शिशु को जन्म देते हैं, परिपक्व शिशु जो होते हैं ना हम उनको जन्म देते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। अब जो लैंगिक जनन अंग होते हैं इस दुनिया में वो दो प्रकार के हो सकते हैं, हाँ डायोसियस भी बोल सकते हैं, बिल्कुल डायोसियस भी बोल ही सकते हैं इसको, ठीक है। अब भैया हमारे पास जो लैंगिक जनन अंग है वो दो प्रकार से हो सकते हैं अंग, एक तो प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरा द्वितीयक लैंगिक अंग। अब जब हमारे पास प्राथमिक लैंगिक अंग जो होते हैं वो कौन है बॉस, जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वो क्या होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है वो ऐसे अंग है जो जन्म से उपस्थित है, कहां से प्रेजेंट है बेटा, जन्म से, हमारी दुनिया में अगर जन्म से बचपन से ही हमारे पास प्रेजेंट है तो वो प्राथमिक लैंगिक अंग है। और दूसरा अगर वो युग्मक निर्माण कर रहा है, प्राथमिक लैंगिक अंग कौन है जो युग्मक निर्माण करेगा, जो स्पर्म एंड ओवा को बनाएगा, वो भाग हमारा प्राथमिक लैंगिक अंग है। अगर हम नर की बात करें तो नर में प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण है, और अगर हम मादा की बात करें तो प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय है, यह भाग हमारा लैंगिक अंग के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज, द्वितीयक लैंगिक अंग कौन होते हैं, वो अंग जो युग्मक बनने के बाद युग्मक की सहायता करते हैं, सहायता करते हैं कि तुम इधर जाओगे, इधर मिलोगे, इधर ये चीज होगी, इधर ये चीज होगी, ये सारे कार्यक्रम जो हैं वो द्वितीयक लैंगिक अंग करते हैं। सो जब द्वितीयक लैंगिक अंग होंगे जिन्हें हम सहायता करने भी थे, यार क्या सहायता होगी, लैंगिकता में क्या सहायता होती है कि या तो स्पर्म निकल के आगे जाएगा, या तो स्पर्म मिलेगा, या तो भ्रूण बनेगा, और या तो भ्रूण बाहर निकलेगा। तो जब ये सारी चीज निकलेंगी बाहर की तरफ में तो वो द्वितीयक लैंगिक अंग सहायक अंग के नाम से
जाना जाएगा। ठीक है भाई, जब युग्मक निर्माण होगा हमारे सामने तो युग्मक के पश्चात निषेचन करवाना हो, युग्मक का स्थानांतरण करवाना हो, भ्रूण का निर्माण करवाना हो, ये सारे के सारे अंग जो है वो सहायक अंग कहलाते हैं। ये सारे के सारे अंग जो है वो सहायक अंग कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो नर में आपको क्या लगता है द्वितीयक लैंगिक अंग कौन कौन सा, आपको क्या लगता है नर में द्वितीयक लैंगिक अंग कौन कौन सा है? नर में द्वितीयक लैंगिक अंग है आपकी सहायक वाहिकाएं, सहायक ग्रंथियां, बाह्य जननांग, ये सारे के सारे द्वितीयक लैंगिक अंग है, ये सारे के सारे द्वितीयक लैंगिक अंग है। और मादा में जो सहायक अंग है वो सहायक वाहिकाएं हैं, गर्भाशय है, ग्रंथियां हैं, बाह्य जननांग है, ये सारे के सारे द्वितीयक लैंगिक अंग है। अब एक बात बताओ, प्राथमिक और द्वितीयक का मेजर अंतर क्लियर है? एक एग्जाम्पल पूछता हूं, पुरस्थ ग्रंथि प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्राथमिक लैंगिक अंग का भाग होगा या द्वितीयक लैंगिक अंग का भाग होगा? जल्दी बताइए आंसर, आंसर आपके सामने है, जल्दी बताइए मुझे यहां पर, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग जो होता है, यहां पर आंसर बता दीजिए जल्दी से फटाफट, प्राइमरी है या सेकेंडरी है? प्राइमरी है या सेकेंडरी है, क्या लगता है? अरे क्या लगता है सचिन जी, बता दिया है मैंने बेटा, बता रहा हूं अभी आगे आता हूं ना, मतलब मुलेरियन और वो सारी चीजें, वो बात बताता हूं मैं, सेकेंडरी है, पक्का सेकेंडरी है। क्यों? क्योंकि वो सहायता करता है, क्योंकि वो क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है भाई, बढ़िया। अब एक चीज आती है अंडाशय, ठीक है, अंडाशय, अंडाशय मान लो जैसे तुम्हारे पास एक पार्ट हो गया अंडाशय के अंदर उगोनिया, अंडाणु कोशिका, ये किसका भाग होगा, प्राथमिक का भाग होगा या द्वितीयक का भाग होगा? अरे कॉपर को तांबा कहते, कौन है यार ये आदमी, क्या आंसर, तुम लोग कॉपर को हिंदी में क्या बोलते, तांबा कहते, कोई पूछने वाली बात है? अभी यहां पे बकवास नहीं करो, जल्दी बताओ, जो उगोनिया है वो प्राथमिक है होगा कि द्वितीयक होगा? ठीक है, जल्दी 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 बताओ, प्राइमरी कहेंगे, क्यों? क्योंकि वो अंडाणु बनाता है, अंडाशय के अंदर का भाग है, तो अंडाशय के अंदर का भाग भी अंडाशय का प्राथमिक ही भाग कहलाएगा, प्राइमरी होगा। चलिए अब समझ में आ गया सभी को, तो अब इसमें क्या चिल्ला रहे थे, नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, क्या नहीं है इसमें समझने का? बड़ा आसान बात है, जो युग्मक बना रहा है वो प्राथमिक है, जो नहीं बना रहा है उसके अलावा बाकी सारे द्वितीयक है, कहानी खत्म, बढ़िया, कंप्लीट हो गया पार्ट। ठीक है, अच्छा काउपर का नाम कंद मूत्र पथ, ओके काउपर, मेरे को लगा कूपर, काउपर लिखियो, COWPER काउपर का हिंदी नाम कंद मूत्र, अभी पढ़ाऊंगा ना यार, तुम लोग एक ही चीज में सब क्यों सीख लेते, पहली बार में नाम समझा करो, पहली बार में नाम समझा करो, दूसरी बार में उसके नाम का दूसरा नाम समझा करो, तीसरी बार में उसका नाम का इंग्लिश नाम भी समझा करो, चौथी बार में उसका डिटेल समझ लिया करो, एक ही बार में सब चीज नहीं पढ़ना चाहिए, पहले नाम समझो बस। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ओके बॉस, क्लियर हो गई बात। अब एक बात यह होती है कि जब बच्चा दो से तीसरे महीने की तरफ में जाता है, जब बच्चा पहले महीने से दूसरे महीने की तरफ में जाता है, अब ये पहला ऑर्गन जानना है चौहान को, कहे जानना है भाई, चैप्टर का आखिरी का पार्ट तुमको अभी क्यों जानना है, क्यों जानना है, तुमको सब एक ही दिन में चाहिए तो खा लो ऐसे इकट्ठा और चबा लो सारा का सारा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, आपको बस ध्यान से सुनना है, यहां पर पहले सुन लो बात को, पहले पढ़ने आए हो, यहां पर क्विज कॉम्पिटिशन नहीं हो रहे, तो पहले सुनो कि बा बॉस पढ़ेंगे इसको, वो भी बताया जाएगा, पहला कौन बना, दूसरा कौन बना, तीसरा कौन बना, चौथा बना करे, सब बता देंगे, आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी यहां पर समझ लो। ठीक है भाई, तो यहां पर पहला, हाँ तो समझ लेते हैं क्यों जानना है, मैं तुम्हारे बोलने पे तुम कुछ भी बोल लो, मैं बोलूंगा कंफ्यूजन जनरेट होगा, क्योंकि मैं अभी उस टॉपिक पे हूं ही नहीं, जब मैं उस टॉपिक पे हुई नहीं कि पहला अंक कौन सा बना, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा बना, शिल्पी आप भी थोड़ा चले जाइए अब थोड़ी देर के लिए, हो गया, बहुत समझ लिया आप लोग, बहुत पढ़ाई कर लिए, अब जा सकते हैं, मैं नहीं तो फोटो खींच के ब्लॉक ऑफ करवा दूं आप लोगों को, बताओ, पढ़ने की 1% कोशिश नहीं करनी है, और यहां पर अगर शिकायतों का बखेड़ा खड़ा करना है तो आप यहां से चले जाइए मेरे बच्चे। ठीक है, आपके लिए जगह बिल्कुल नहीं है,
आप पढ़ने के लिए बने ही नहीं, आप यही करने के लिए बने। नहीं, मेरी मुर्गी की एक टांग मैं उसी में उछलूंगी और उसी में उछलूंगा। तो उछलिए उस पे, स्वागत है आपको, जिंदगी की शुभकामनाएं आपको, बहुत बढ़िया। अगर आप ऐसा करेंगे तो लाइफ में बहुत तरक्की करेंगे, मुझे ऐसी शुभकामनाएं आपको। सो दूसरे से तीसरे महीने की जब प्रेगनेंसी होती है तो दो प्रकार की नलिकाएं महिलाओं में, पुरुष में बढ़िया होते हैं। तो वुल्फियन है, मुलेरियन है। जो वुल्फियन नलिका अगर काम कर गई, वुल्फियन नलिका अगर काम कर गई तो वृषण की वृद्धि होगी, शुक्राशय की वृद्धि होगी, शुक्र नलिकाओं की वृद्धि होगी, और ये सब लोग मिलकर नर के कार्यक्रमों को बनाएंगे तो लड़का बनेगा। भैया जब किसी के पास वृषण है, जब किसी के पास शुक्र नलिकाएं हैं, जब किसी के पास शुक्राशय है, तो ये सारी चीजें जो है नर निर्माण के द्वारा नर बना लिया। मुलेरियन नलिका जो है वो किसको बनाती है, वो वृद्धि करवाएगी अंडाशय नलिका को, अंडाशय की वाहिकाओं को, अंडाशय की नलिकाओं को, तो ये मादा निर्माण के लिए जाना जाएगा। तो कभी आपसे कोई पूछ दे, आपका अड़ोसी पड़ोसी, कि भैया दूसरे से तीसरे महीने में नर और मादा का डिसाइड कैसे होता है, तो तुम कह देना कि वुल्फियन नलिका और मुलेरियन नलिका से। मुलेरियन ने क्या बनाया है जी, मुलेरियन ने क्या बनाया है जी, तो मुलेरियन ने बनाया है, याद रखना, मुलेरियन ने बनाया है महिला, वुल्फियन ने बनाया है नर। बात खत्म, इतना क्लियर, समझ गए बात को, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं, नर के अंदर हमको काका पढ़ना है जी, वृषण पढ़ना है, सहायक वाहिकाएं, सहायक ग्रंथिकाएं, बाह्य चरणांग, ये चार चीज मेल में पढ़ाऊंगा। और ये रहा इसका डायग्राम, और इसमें एक बहुत बढ़िया बात बताई कि सातवें महीने में यार भ्रूणावस्था के बाद उदर गुहा से वृषण कोष में आ जाता है। जो वृषण है वो उदर गुहा से, वृषण उदर गुहा से वृषण कोष में आ जाता है। किसके द्वारा आ जाता है, तो ये द्वारा आता है इंग्विनल कैनाल के द्वारा। और जब इंग्विनल कैनाल के द्वारा आ गया तो बढ़िया, बहुत बढ़िया है, तापमान बढ़िया मेंटेन हो जाएगा। कितना तापमान मेंटेन होगा जी, तापमान मेंटेन होगा 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन हो जाएगा। और जो आवश्यक है किस चीज के लिए, शुक्र जनन के लिए अगर स्पर्म बनाना है तो तापमान कम रखना ही पड़ेगा। और अगर तापमान कम करना है तो इसके लिए कार्यक्रम तो चाहिए, तो हमारा तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और वृषण का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हमारे तापमान से थोड़ा सा हल्का होता है। बढ़िया, आगे बढ़े। तो यार ये तापमान अब हमेशा एक जैसा तो नहीं बनेगा, हमारा शरीर तो होमियोस्टेसिस होता है तो तापमान मेंटेन कर लेता है। ये कैसे मेंटेन करेगा, तो ये मेंटेन करता है डॉल्टो स्पीसी से। कैसे मेंटेन करता है जी, डॉल्टो स्पीसी से। डॉल्टो स्पीसी अगर पास पास में आ गई, डाटा स्पीसी जो होता है ठीक है अंदर तरफ में आ गया पार्ट, ठीक है, उसके बाद जो है वो अगर सिकुड़ गया, तो सिकुड़ गया तो क्या हुआ, और वृषण का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हमारे तापमान से थोड़ा सा हल्का होता है। बढ़िया, आगे बढ़े। तो यार ये तापमान अब हमेशा एक जैसा तो नहीं बनेगा, हमारा शरीर तो होमियोस्टेसिस होता है तो तापमान मेंटेन कर लेता है। ये कैसे मेंटेन करेगा, तो ये मेंटेन करता है डॉल्टो स्पीसी से। कैसे मेंटेन करता है जी, डॉल्टो स्पीसी से। डॉल्टो स्पीसी अगर पास पास में आ गई, डाटा स्पेसी जो होता है ठीक है अंदर तरफ में आ गया पार्ट, ठीक है, उसके बाद जो है वो अगर सिकुड़ गया, तो सिकुड़ गया तो क्या हुआ, सिकुड़ गया तो शरीर से तापमान में पास पास में आ जाएगा, और शरीर के पास में आ जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर मौसम गर्मी का हुआ तो यह पेशी गर्मी में सिकुड़ की जगह शिथिल जाएगी, फैल जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा। ये बात तो बहुत बड़ी। अब भ्रूणी अवस्था में अगर ये नहीं आया तो क्या होगा, जब ये नहीं आया तो क्या होगा, तो जब नहीं आया तो क्रिप्टोआर्किडिज्म कहते हैं, मनुष्य में स्टेराइल बांध हो जाता है। अब चलो तुम्हारे दिमाग में जितने भी सवाल पॉइंट आपको पूछना है, अब आप बता, मुलेरियन मुलिका और मुलेरियन नलिका दोनों जो है के होने से जुड़वा भी हो सकते हैं, मुलेरियन नलिका के होने से नहीं, ये दोनों नलिकाएं जो है ना नर की नलिका और मादा की नलिका बनाती हैं। इन दोनों को कौन फिक्स करता होगा, डीएनए हमारा, कौन करता होगा, डीएनए। सो जो डीएनए से फिक्स है वही आगे चलता है, पर दूसरे महीने तक दोनों है। अब इनमें से एक वृद्धि करेगी
मुलेरियन वृद्धि करेगी तो मुलेरियन महिला बनाएगा, और अगर वुल्फियन करा तो पुरुष बनाएगा। दैट्स ऑल। मतलब ऐसा नहीं कि मुलेरियन ने महिला बनाया, मुलेरियन ने महिला की नलिकाओं को बनाया, है ना। और ये जो आपका वुल्फियन है, इसने पुरुष की नलिकाओं को बनाया, तो पुरुष की नलिका बन गई तो पुरुष बन जाएगा, और मुलेरियन की महिला की नलिका बन गई तो इसकी नलिका बन गई। मेरी बात समझ में आ गई यहां तक? क्लियर? अब कोनो डाउट हो तो बात यहां पर आगे बताओ, ठीक है बॉस? यहां तक क्लियर? चलो कमेंट सेक्शन कर दो फटाफट यहां पर कि ठीक है भाई, यहां तक बातें बहुत आसान थी, समझ में आई। अब हम जिन बिंदुओं पे बात करेंगे, ये कंफ्यूज मत होना बेटा ना कि क्रोमोसोम बनाता है महिला और पुरुष को, नलिका को बनाने का काम तो दो नलिकाएं हैं, दोनों में से जो वृद्धि करेगी, पुरुष की नलिका महिला की नलिका, वुल्फेन बनी तो पुरुष की नलिका बन गई, तो पुरुष की नलिका बन गई तो पुरुष बन गया, मादा की नलिका वृद्धि कर गई तो मादा बन गया। और ऐसा नहीं कि दोनों डिसाइड कर रहे थे दोनों में से कोई बन जाता, हार्मोन पहले से सब फिक्स करके रखा हुआ है, उसमें कोई शक की बात है ही नहीं, हार्मोन सब फिक्स करके रखता है। ये हो गया हमारे वृषण कोश की बात, और वृषण कोश को हमने पूरी तरह से समझ लिया, वृषण कोश के ऊपर जितने भी सवाल बन सकते थे हमने वृषण कोश के ऊपर बना दिया। अब आते हैं बेटा वृषण पे, तो वृषण होता है एक पेयर, एक जोड़ी, ठीक है बंधु? यहां पर बड़ा ध्यान लगाना, बहुत मजा आएगा इस चीज को पढ़ के, और बहुत क्वेश्चन भी आते हैं इसके ऊपर, ठीक है? एक जोड़ी, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा भाई कि इनके पास कितने आवरण होते हैं, तो आइए डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। जितना अच्छा हमको डायग्राम समझ में आ गया उतना बढ़िया हमको वृषण समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई? चल तो सारे के सारे वृषण बनाना मेरे साथ शुरू करना, यहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब ये भाग एक बना हुआ है, इसमें हम बना रहे हैं सारे के सारे, साथ में बना लो पहले डायग्राम, तो चीजों को पढ़ने में और आसानी होगी आपको। देखो इसका एकदम आसान वाला डायग्राम भी बना सकते थे, पर हमने पूरा कंप्लीट डायग्राम बनाने का निर्णय लिया है कि चीजें एकदम बढ़िया से हर चीज दिखनी चाहिए इसमें। हर चीज दिखनी चाहिए इसमें, एक एक चीज, और वो भी एग्जैक्ट ना दिखे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अलग भी दिख जाएगा तो चलेगा, पर दिखना मतलब चाहिए कि हाँ इसके पास सब कुछ है। देखो जितना अच्छा आप डायग्राम बनाओगे ना, आपको उतना थ्योरी कम पढ़ना पड़ेगा, ये सबसे अच्छी बात होती है, यही सबसे अच्छी बात होती है। जितनी चीजें प्रकृति के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने हर वो बात इस डायग्राम में ऐड कर दी है, और इनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बस ध्यान से एक बार बनाना, मजा आ जाएगा सारी चीजें बना के आपको, ठीक है बॉस? चलो स्टार्ट करते हैं, ये कहानी हमारी अब आगे बढ़ेगी। हर चीज पे बहुत गौर करना, हर चीज पे गौर करना, जिस पे मैं कह रहा हूं हर चीज पे गौर करना, बहुत जरूरी चीजें पढ़ा रहा हूं मैं इसमें, बहुत ज्यादा जरूरी जरूरी चीजें। अब ये डायग्राम हमारा तैयार है, बस दो मिनट के धैर्य के साथ आप इस बात को समझना है, ठीक है? समझ रहे मेरी बात को? बस यहां पर पॉइंट को आप लोगों को समझना है फटाफट, बहुत ध्यान समझना इसके यहां पर आप लोगों को, तो यहां पर आप लोगों को चीजें बनानी है।
पढ़ो फटाफट बेटा जी। हमारे पास सबसे पहला स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं वृषण कोश। क्या कहते हैं इसे? वृषण कोश कहते हैं। पहला पार्ट ये आपको पता है। वृषण कोश के बाद का पूरा अंदर का संरचना जो है वो वृषण है, और इस वृषण वाले भाग में हमारे पास कौन कौन सी परतें हैं सबसे पहले देखना। टेस्टिस की पहली परत, टेस्टिस की पहली परत, ये पहली परत है, ब्लू से बनी है इसलिए ब्लू ही दिया है मैंने। दूसरा येलो से बनी है इसलिए येलो लाइन खींच देता हूं मैं, और तीसरी ग्रीन से बनी हुई है उसका नाम भी खींच देते हैं। चलो फटाफट, तो बेटा हमारे पास सबसे बाहर लेयर है आउटर की तरफ में जिसका नाम है वेजिनेलिस। क्या नाम है? वेजिनेलिस। इसका नाम याद रखना, सबसे टेस्टिस की बाहर का नाम है वेजिनेलिस, आउटर लेयर है। बीच वाले का नाम होता है मतलब इसके पास में वेसिकुलाटा, और ये वेसिकुलाटा इसे अपन कहते हैं वासा कुलाटा। ये नाम आपको याद रखना है बॉस, एक एक नाम आपको याद रखना है कि ट्यूनिका वेजिनेलिस आपको भूलना नहीं चाहिए, मतलब इसका ये सबसे आउटर लेयर है, ये सबसे बाहर की तरफ की लेयर है, और ये जो दूसरी लेयर है वो उसके अंदर की तरफ में लेयर है। ठीक है, ये बात याद रखना, इनके पास में एक भी चीज आपको भूलनी नहीं है, और ये सबसे इसके इनर वाली लेयर है, और इसके बीच में जो दूसरी वाली लेयर है उसे अपन कहते हैं बच्चा ये मिडिल लेयर है ना, मध्य वाली। तो जो मध्य वाली लिखते हैं इसको लिखा जाता है एल्ब्यूजिनिया। तो बस इतना याद कर लिए कि वेजिनेलिस एल्ब्यूजिनिया वासाकुलाटा तीनों मिलाकर बन गए बच्चा मतलब इसे अपन कह सकते हैं नॉर्मल कि ट्यूबिया वेजिनेलिस। ठीक है, यही नाम है, इनके नाम से ट्यूबिया मतलब ट्यूनिका, ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वासाकुलाटा, तीन बातें बस कहानी खत्म। कि भैया हमारे पास ये देखो, इधर से देख लेना, उधर ज्यादा डीप हो जाता है। तो अगर आपके पास में वृषण की तीन परतें बोली जाएंगी तो वृषण की तीन परतें कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली बात वेजिनेलिस, पहला लेयर आउटर लेयर सबसे बाहर, दूसरा एल्ब्यूजिनिया मध्य लेयर है, और तीसरा इनर लेयर वासाकुलाटा इन तीन परतों से घिरा होता है स्पर्म। ठीक है, सॉरी वृषण, वृषण तीन चीजों से घिरा होता है। ये डायग्राम हमारा क्लियर हो गया। अब हम पीछे की तरफ से आते हैं कि और क्या क्या चीज दिख रहा है। येलो येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, इसे हिंदी में कहते हैं शुक्रजनक नलिका। बहुत ध्यान देना, बहुत क्वेश्चन पूछूंगा अभी इसके ऊपर में। पहला नाम क्या है? शुक्रजनक नलिका, याद करते चलो मेरे साथ में, सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल। क्या नाम है इसका? सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल। तो पहली संरचना है सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, यही पर स्पर्म बनता है, इसलिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसके तुरंत बाद एक चीज आपको दिख रही होगी इन जगहों पर, ये जगह देखो, दूसरा जगह बता रहा हूं, इसका लाइन खींच दो। इसे कहीं मेंशन नहीं लिखा रहता, लेकिन आपको मेंशन करना है, एक बारी क्वेश्चन पे पूछा गया था ट्यूब्यूलाई रेक्टी, इसका नाम है ट्यूब्यूलाई रेक्टी। ठीक है, रेक्टी इसका नाम है, ट्यूनिका परत का नाम होता है बेटा, जो मसल से बनी हुई परत होती है उन्हें हम ट्यूनिका कहते हैं, ट्यूनिका। दूसरा नाम आ गया ट्यूब्यूलाई रेक्टी। तीसरी बात, ये जो जाल जैसी संरचना आपको दिख रही है, ये वाली संरचना, इस तीसरी संरचना का नाम होता है, इसे कहते हैं वृषण की जालिका, और वृषण की जालिका का नाम होता है रेड टेस्टिस। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चौथा चीज कुछ आपको दिख रहा होगा, तो ये लंबी लंबी पाइप दिख रही हैं, जिनका नाम होता है शुक्र वाहिका, और वाहिका को इंग्लिश में कहना हो तो वासा इफरेंसिया। इतना नाम याद हो गया, बाकी दुनिया की बात बाद में पढ़ेंगे। इतना नाम याद हुआ, यस नो, वासा इफरेंसिया। बोलना मत, क्योंकि यार जब हिंदी में दिमाग खराब होता है ना तो इंग्लिश वाला ही याद रखना पड़ता है, वासा इफ
रेंसिया, ये वाहिका और वाहक में दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका, बहुत बढ़िया। अब शुक्रवाहिका के बाद क्या है, ये तीन भाग आपको दिखाई दे रहे, एक अति कुंडलित भाग है, इसे अपन कहते हैं कॉपुट, का नाम है जी कॉपुट, दूसरा नाम है कॉर्पस, और तीसरा नाम क्या है, तीसरा नाम है काउडा, का नाम है काउडा। तो कॉपुट, सी ए पी यू टी, सी ओ आर पी यू एस, सी ए यू डी ए, और तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, और ये तीनों मिलकर बनाते हैं भैया ईपी डी डायमस, क्या बनाते हैं इपीडिडायमस, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं इपीडिडायमस, ये लिख लियो इसको, थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख देते हैं ईपी डी डायमस, और इसी का हिंदी नाम है अधिवृषण, और फिर इस अधिवृषण के ऊपर ये जो पाइप दिख रही है ये कौन सा भाग हो गया, चौथा, ये पांचवा, अरे रिवीजन करवा देंगे ना यार, काहे टेंशन ले रहे हो, छठवा नाम है इसका शुक्र का वाहक है ये, इसे कहते हैं वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया, डिफरेंसिया। तो हमारे पास इतनी चीजें दिखनी चाहिए और इतनी बातें आपको पूछा जाएगा, ठीक है, आपको ये पता, नहीं 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 कोई डमी की जरूरत नहीं है वरुण, कोई जरूरत नहीं, आप आराम से बस पढ़ाई करो, नीट की पढ़ाई करो। अब बंधु ये डायग्राम तुमको मन लगाकर बनाना है, इन पे हम तीन चार सवाल पूछेंगे। पहले देखो यार डायग्राम में समझने का जितना कुछ हो सकता था मैंने सब बता दिया, लाइन से बढ़िया सब बता दिया है, सुनना ध्यान से एक बार, ठीक है, सुनना ध्यान से एक बार, पहले बता देता हूं फिर बाद में आप लोगों को, बदले के साथ किसी भी बच्चे के उसमें पानी आ जाता है तो कोई डिजीज हो जाती है, हाँ वेरी गुड बेटा, वेजिनलिस के बढ़ने से, हाँ अगर वो बढ़ जाएगा तो उसमें मतलब स्वेलिंग हो जाती है, ट्यूनिकाइटिस कहते हैं, वेजिनलाइटिस कहते हैं, वो भी बहुत बड़ी बीमारी है। हाँ जी आ जाओ सुन लो, कहाँ जी डेंजरस है जी, कैसा बात करते हो, एकदम आसान वाला बना दें, रुको जरा धैर्य रखो, ये देखो रुको तुमको बनाते हैं एकदम आसान वाला, एकदम आसान वाला बना देते हैं पहले, रुको लो, ठीक अभी थोड़ा का आसान आसान लग रहा है, लो एकदम आसान बना दिए, हाँ लो, अब इसमें तुम्हें क्या क्या दिख रहा है देखो डायग्राम में, ये तुम्हें इसको बनाना है, तुमको कोई भी बना लो, क्या दिक्कत है, तुमको क्या दिक्कत है, तुमको बड़ा सिंपल है बात, ये है अधिवृषण, नॉट अधिवृषण यार, ये भाग है हमारा शुक्रजनक नलिका, बताओ मुझे फटाफट इसका नाम बता दो जल्दी जल्दी सारे के सारे बच्चे, बताओ फटाक से कहा बनाया जी मैंने, शुक्रजनक नलिका, ये है दूसरा भाग भी जिसका नाम है ट्यूब्यूलाई रेक्टी, तुमको जैसे बनाना का हो वैसा बनाओ ना जी, काहे दिक्कत ले रहे हो, इसका नाम है शुक्रजनक नलिका, आसान वाला हमेशा याद रहता है। फिर ये जो भाग ये जो बना हुआ है इसका नाम क्या है, ये तीसरा नाम है वृषण का जालिका, समझे, ये का नाम है इसका, इसका नाम है वासा इफरेंसिया, वासा इफरेंसिया, क्या कहते हैं हिंदी में जी इसको, इसको कहते हैं शुक्र का वाहिका। देखो यार बच्चा लोग मैं एक ही बात बताऊं तुम लोगों को, इसका पूरा नाम है अधिवृषण, बाद में डिटेल पढ़ लेंगे, पहले अधिवृषण बस जान लो, और ये है आपका शुक्रवाहक, इतना तो जान ही लोगे ना, नाइन से लिख लो, तीसरा ये चौथा ये पांचवा ये छठवा, दैट्स ऑल, खत्म। हाँ उसी को हाइड्रोसिल कहते हैं, उसी को हाइड्रोसिल कहते हैं, ट्यूनिकाइटिस को, आइटिस, सूजन, जब भी कभी सूजन हो जाए पानी भर जाए तो उसे आइटिस लगा देते हैं और उसके पार्ट में आप बनता है। चलो बंधु तो आओ थोड़ा बहुत ध्यान से समझते हैं, यहां पर कहानियों को क्लियर करते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं और आपको समझ में आते हैं, पढ़ते हैं।
अब बंधु पहला सवाल जो चीज काम की है पहले उसको जान लो, इतना ही समझने में लोगों के लाले पड़े हुए हैं और दुनिया की तमाम बातें जानोगे तो अभी वो भी कंफ्यूजन आ जाएगा, पहले इतना याद कर लो। तुमसे पहला सवाल पूछा जाएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है। शुक्रजनक नलिका जो है ट्यूबलाई दूसरा भाग है, स्पर्म बना वृषण जालिका में, फिर गया शुक्रवाहिका में, फिर गया अधिवृषण में, फिर गया शुक्रवाहक में, याद हो गया? इतना समझ में आया ना जी? अभी रास्ता वास्ता बस जान लो ना, काहे दिमाग खराब आगे पढ़ेंगे। इतना समझ आया कि नहीं आया जी? अरे जल्दी बोलो, इतना आया कि नहीं आया पहले, जल्दी बताओ। ठाकरे जी थोड़ा रुकिए ना, अभी बहुत जरूरी चीज चल रही है, ये भुला जाएगा तो सब समस्या हो जाएगा, फिर बच्चे कहेंगे तो बड़ा दिमाग खराब हो जाएगा, तो पहले इसको समझ ले फिर हम हारने आपको बता देना, पहले मेन काम पे फोकस करें, क्लियर करें। रिपीट, ये एक बार डायग्राम बनाया, ये दूसरी बार डायग्राम बना रहा, रिपीट। तुम लोग मशीन की तरह काम करवा रहे हो यार, हैं? शुक्रजनक नलिका पहली है, इसके बाद दूसरा ट्यूबलाई रेक्टी है, तीसरा वृषण जालिका है, चौथा वासा इफ्रेंसिया है, पांचवा अधिवृषण है, छठवा शुक्रवाहक है। बस यही आपके याद पे ध्यान पे रखना है। अब बंधु एक सवाल है, इस डायग्राम को देखो, तुमसे पूछा जाए वृषण कितने भागों से मिलकर बना है। अरे वे तो लिख ही देंगे यार, वे तो लिख ही देंगे, बस पहले इतना ध्यान रख लो कि वृषण कौन कौन सा। आओ तुमको रास्ता लिखा देते हैं, आओ बंधु थोड़ा सा तुमको समझाते हैं, रुको। पहला बात, पहला लिखो वृषण का परत, तुमको पहली दूसरी वालों की तरह पढ़ाते हैं, वृषण के आवरण। तो आवरण का नाम है पहला ट्यूनिका, अरे बोल दो, चलो तुम्हारा रिवीजन ही हो जाएगा, ट्यूनिका वेजिनेलिस है ना, ये नाम हो गया। और क्या नाम हुआ दूसरे का, नाम ट्यूनिका, दूसरा नाम बता दो, चलो एक बार रिवीजन आज तुम्हारा, एल्ब्यूजीनिया। आराम आराम से पढ़ा देते हैं, तुम लोग कह रहे थे ना बहुत तेज हैं तो स्लो पढ़ा देते हैं। इसके बाद तीसरा नाम क्या लिखा जी, ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया वेजिनेलिस और क्या, वासा कुलाटा। ये कौन सा लेयर है जी, ये बाहरी है, बाहरी। ये कहां का लेयर है जी, मध्य है, और वैसे कुलाटा है आंतरिक। हो गई बात, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे बात करें वृषण के आवरण के अलावा, दूसरी बात पढ़ते हैं। अब आता है रास्ता, रास्ता कि वृषण से अंदर से बाहर तक का क्या क्या होता है। तो वृषण में अंदर से बाहर तक कौन कौन होता है ये बात करते हैं। सबसे पहली चीज पढ़ाई शुक्र जनक नलिका, ठीक है, इसका डिटेल फिर बाद में करूंगा, कितना होता है, कहां होता है, पहले सिर्फ नाम पढ़ेंगे। शुक्रजनक नलिका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम क्या जी, ट्यूब्यूलाई, रिवीजन कर लो, रेक्टी, ट्यूब्यूलाई रेक्टी। तीसरा नाम याद कर लो, वृषण का जालिका, ठीक है। और वृषण जालिका के बाद चौथे नंबर का भाग आता है शुक्र वाहिका। इसका नाम ना बहुत अजीब अजीब नाम होता है, इसलिए इसका नाम इंग्लिश में जरूर पढ़ लेना बच्चा, इफ्रेंसिया। फिर पांचवे नंबर पे क्या आया बताओ, अधिवृषण। अधिवृषण के तीनों नाम याद नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा हमारे पास शुक्रवाहक यानी वासा डिफरेंसिया, डिफरेंसिया। इतना याद हो गया अभी? अरे रूही बारहवीं पास होके आए हो मेरे बच्चे, कैसी बात कर देते हो कि बहुत कठिन नाम है, कैसा सवाल है ये बताओ, ट्वेल्थ पास होके आप लोग आए हो और अगर ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा। इतना याद हुआ ना, बहुत सवाल है भाई, बहुत सवाल है, इसमें थोड़ा मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा। अब एक सवाल मुझे बताना है, अब एक सवाल आपको मुझे बताना है,
हाँ दोनों शरीर में होती है, हाँ नर और मादा दोनों शरीर में होती है, वृद्धि दोनों में से कोई एक ही करती है, हाँ दोनों होती है, दोनों में से वृद्धि कोई एक ही करती है। हिंदी ही कहते हैं मुस्कान जी, हिंदी में यही नाम है, कसम से मैंने यही कसम खा के कहता हूं, हिंदी में वही नाम है। हाँ 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 बताते हैं उसके बारे में बताते हैं जी, ठीक है। एक टेस्टिस का बच्चा पैदा हो जाए तो, कृष्ण मोहन लाल जी यही सवाल पे तो मेरा बताने का मन नहीं करता, अभी कुछ बेहतरीन चीजें चल, फिर कहोगे आप डाउट नहीं बताते हो, आप बहुत गंदा पढ़ाते हो, हैं? अब बताओ एक टेस्टिस का बच्चा पैदा हो जाए, कोई बात नहीं, हो जाता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी लेकिन जिंदगी चल जाएगी। वो टेस्टिस कैसा है ये भी इंपॉर्टेंट है ना, कैसा चीज होता है, मैं यहां पर अभी थोड़ा सा वो चीज अलग बता रहा हूं ना, तो उसके ऊपर आते हैं। अब समझो मेरी बात को, अभी यहां तक क्लियर हुआ, अब इस पे एक सवाल बता दो मुझे। चलो भाई बढ़िया, एक सवाल बताओ, इनमें से वृषण के अंदर का भाग कौन कौन है और कौन कौन वृषण के बाहर है। एक ही सवाल पूछूंगा उसके बाद आज का पॉइंट खत्म कर दूंगा, मुझे जल्दी से बस एक बात बता दो फटाफट कि भैया ये वृषण के अंदर के भाग कौन कौन से है इतने भागों में, और कल इसका पूरा इंग्लिश इंग्लिश का याद भी नाम याद रखना, ठीक है, पूरे इंग्लिश इंग्लिश का नाम भी याद रखना, ठीक है। बताओ जल्दी 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 यहां पर बताओ, जल्दी बताइए क्या आंसर है इसका, किससे मिलकर, कुछ सवाल पूछ रहे हैं, हैं? सब आए बाएं चीज जानना है, बहुत सारे बच्चे देखो तुम लोग के चक्कर में कभी किसी दूसरे के बारे में सोचा करो, अनावश्यक चीजें पूछ पूछ कर अपने दूसरे बाकी बाकी बच्चों का कितना परेशान करते हो तुम लोग। देखो वृषण में कौन कौन है, असल में कुछ कुछ भाग वृषण के अंदर है, कुछ कुछ वृषण के बाहर। वृषण में आप याद रखना शुक्रजनक नलिका है, शुक्रजनक नलिका वृषण के अंदर का भाग है, और दूसरा भाग आता है फिर आपके पास में वृषण जालिका, ट्यूबलाई रक्ति, तो एक बार पढ़ लिए तब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस याद रख लियो कि दोबारा याद रखना है। और वृषण जालिका के बाद दूसरा पार्ट आता है बेटा शुक्रवाहिका, ये तीनों लोग मिलकर वृषण के अंदर रहते हैं, बाकी सारी चीज वृषण के बाहर रहती है, बस इतनी बात आपके दिमाग में बैठी रहनी चाहिए। बाकी इसके आगे का डिटेल, फिर इसके आगे के पोषण और बाकी चीजें फिर आप लोगों को बताई जाएंगी, इतना